हाय फ्रेंड्स, मैं ऋषि ने आप देख रहे हैं मेरा चैनल अच्छे से लॉकडाउनिंग एंड टैग वीडियोज़। तो इस वीडियो को शुरू करने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। और मेरा एक चैनल और है, अगर आपके लिए उसको देखना हो या वीडियो उसकी देखना हो या लाइक करना हो या सब्सक्राइब करना हो तो डिस्क्रिप्शन में लेंगे। तो सबसे पहले खोल के उसके लिए सब्सक्राइब और लाइक करें। उसके बाद अब मैं आपके लिए कुछ और बताने के लिए जा रहा हूँ कि मैंने ये टॉपिक की वीडियो बनाई है कि डीसी मोटर जो रहती है, ये आप देख रहे हैं ये डीसी मोटर है, तो इसमें क्या कैसा आपके लिए चलाने के लिए रहता है। तो ये सैमसंग एक डीसी मोटर की कंपनी है, तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी की मोटर है। ये डीवी ड्राइवर में काम आती है वाली मोटर है। तो ये सैमसंग कंपनी की जो मोटर है, ये इसका रन ऑफ इतना तेज नहीं रहता है, लेकिन मैं आपके लिए आज एक ऐसी मोटर ले आया हूँ कि आप अगर कभी आपने देखा होगा, आप कभी कार आर बनाने की कोशिश करते हैं तो आप कार बना तो लेते हैं, उसमें इस तरीके की मोटर भी फिट कर देते हैं, इस तरीके की मोटर ऐसे फिट कर देते हैं, लेकिन वो मोटर फिट करने पर भी वो चलती नहीं है, रन नहीं करती है। सिर्फ वो मोटर जब कार अपन उठाएँ तब रन करती है और ऐसे रन नहीं करती है। तो उसके लिए मैंने एक सोल्यूशन निकाल दिया है, आप देख रहे होंगे ये है डीसी मोटर। इससे भी छोटी मोटर डीसी है, इससे भी कम रन ऑफ पावर की है, लेकिन फिर भी ये एक ईंट को चला सकती है। कैसे मैं आपके लिए बताता हूँ आगे वीडियो में। इसलिए चला सकती है क्योंकि आपको ये देख कर कुछ ध्यान आ रहा होगा ये किस चीज़ की है। तो ये आप जो आपकी रेसिंग कार्स आती हैं उनमें लगी रहती है इस तरीके से, उसकी ये मैंने निकाली है तो आपको बताने के लिए। तो ये वो मोटर है। सबसे पहले मैं आपके लिए इसमें बताता हूँ इसमें क्या रहता है ऐसा खास। सबसे पहले ये मैंने खोल के बताया आपके लिए, इसमें ये गियर असेंबली लगी रहती है। ये गियर असेंबली के कारण ही ये फास्ट तेज होता है, फास्ट हो जाता है फिर तेज हो जाता है फिर मद्दा हो जाता है। ये गियर असेंबली है इसके कारण। और इसमें मोटर कुछ नहीं, इसमें मोटर देखिए आप 15 रुपये की आती है, आपके छोटे छोटे मार्केट बाजार में मिल जाती है। इसमें वही मोटर यूज़ हुई है और कुछ यूज़ नहीं हुआ है, बस इसको अपन इस तरीके से इसमें रख देते हैं। तो इसमें जो एक छोटा सा गियर लगा है, ये गियर करता इस चीज़ के लिए रन। जब ये इस चीज़ के लिए रन करता तो इसके नीचे एक गियर दिया गया है, ये वाला गियर, तो वो भी रन होता है साथ में। फिर साथ में ये वाला रन इसके लिए रन ऑफ करता है, तो इससे एक मोटर से दोनों तरफ के टायर चलते हैं और साथ ही साथ वो काफ़ी अच्छे से भी चलती रहती है। तो देखिए आप, जैसे कि मैं इसको इसके अंदर फिट कर देता हूँ इस तरीके से फिट हो गया, देख सकते हैं आप, ये मैंने फिट कर दिया है काफ़ी अच्छे तरीके से। तो अब जैसे कि मैं आपके लिए ये मोटर दिखा रहा हूँ, ये मोटर और ये मोटर मैं दोनों चला के दिखाऊंगा कौन सी मोटर ज़्यादा अच्छी चलती है। तो आप वीडियो के लिए देखते जाएं लास्ट तक। इसके लिए मैंने यूज़ में ली है 3 वोल्ट की बैटरी, मोबाइल की बैटरी, मैंने उसमें टाँके लगा लिए हैं, तो आप भी टाँके लगा लें इसी तरीके से। उसके बाद अब मैं सबसे पहले आपके लिए कौन सी मोटर चला के बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपके लिए ये वाली मोटर चला के बताऊंगा, ये मोटर कैसी चलती है इसमें। तो सबसे पहले इसके अपन प्लस माइनस में वायर लगा लेते हैं, इसके प्लस में इसका माइनस वाला वायर लगा लेते हैं। देख सकते हैं ये रन ऑफ कर रही है मोटर, लेकिन ये इतनी तेज़ रन ऑफ नहीं करती है मोटर। मैं आपके लिए एक नमूना भी दिखाऊँगा इसमें साथ साथ, तो नमूने देखें आप, जैसे कि मैं आज आपके लिए दिखाता हूँ नमूना। जैसे कि मैंने एक माचिस बॉक्स ले लिया है, ये माचिस बॉक्स, अब मैं इसमें ये मोटर चलाऊंगा। ये मोटर मैं देखिए इसमें चला रहा हूँ तो इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसमें गियर वाली मोटर चलाऊंगा तो इसमें काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। देख सकते हैं इसने डायरेक्ट ही होल कर दिया है इसमें, ये आपको एक छोटा सा होल दिख नहीं रहा है वेलर के कारण, लेकिन इसमें एक छोटा सा होल कर दिया है। तो देख सकते हैं इस मोटर और इस मोटर में क्या पावर थी। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।